नवादा जिले में पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि कोवाकोल प्रखंड में दूसरे चरण को लेकर मतदान कराया जाएगा और चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा भी कर दी गई है। सोमवार के दिन सूचना का प्रकाशन कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 7 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जो 13 सितंबर तक चलेगी। 16 को नामांकन पत्रों की जाँच कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 18 सितंबर तक नाम वापसी और उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित करने की तिथि है। मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, सरपंच और पंच पदों के लिए 29 सितंबर को मतदान किए जाएंगे। छबिल पंचायत की 8, दरावा की 14, देवनगढ़ की 19, कोवाकोल की 16, केवाली की 10, खरसाड़ी की 14, लालपुर की 10, मोहटर की 11, मंझला की 14, नवाडी की 10, पहाड़पुर की 16, पाली की 13, पांडे गंगोत की 13, सरोनी को 11 और सखो देवरा पंचायत की 16 वार्डों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारी भी कर ली गई है। यह कुल मिलाकर 208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या 195 और सहायक मतदान केंद्रों की संख्या 13 है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 116,354 मतदाता अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। सूचना प्रकाशन की तिथि 6 सितंबर रखी गई है और नामांकन 7 से 13 सितंबर तक रखी जाएगी। समीक्षा की तिथि 16 सितंबर को होगा। नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 सितंबर को किया जाएगा। मतदान की तिथि 29 सितंबर को रखी गई है। मतदान 1 से 2 अक्टूबर को की जाएगी। पदवार सीटों की संख्या की बात अगर की जाए तो मुखिया के लिए 15 पद स्थापित किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर वार्ड सदस्य के लिए 195 पद रखे गए हैं। पंचायत समिति के लिए 19 पद और पंच के लिए 195 पद रखे गए हैं। बूथों की संख्या की बात अगर की जाए तो मूल मतदान केंद्र 195 है और सहायक मतदान केंद्र 13 और कुल मतदान केंद्र 208। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं।